हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा होंगे। और आज फाइनली एक मूवी का ट्रेलर आया जो मूवी मैं 2020 से इंतजार कर रहा था, और वो मूवी का नाम है जल्लीकट्टू, और ये एक मलयालम मूवी। और मैं ये मूवी का क्यों इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि 2020 में जो ऑस्कर अवार्ड था ना, उसमें नॉमिनेट हुआ था जल्लीकट्टू इंडिया से। भले वो जीत नहीं पाया था, पर नॉमिनेट हुआ मतलब मूवी में कुछ था। और उस वक्त मैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखने के उतना यूज टू नहीं था, इसलिए मैं नहीं देख पाया कि मलयालम में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख लूँ कहकर। पर आज फाइनली जाकर उसका हिंदी मूवी आने वाला है, तो उसका एक ट्रेलर रिलीज किया गया है, वो भी यूट्यूब चैनल में, एडवाइज मूवी का यूट्यूब चैनल में। आप लोग देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाकर देखिए या वहाँ पर जाकर देख लीजिए। तो ये ट्रेलर को मैं बहुत ही पर्सनली बहुत ही ज़्यादा इंतजार कर रहा था, इसलिए मैं ये ट्रेलर को रिएक्शन करने जा रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत ही कमाल की मूवी, बहुत ही कमाल की। चलिए दोस्तों शुरू। एडवाइज मीडिया, जब पहली बार मेरा बाप आया था तो यहाँ कुछ नहीं था। बैलगाड़ी भी एक हद तक जाती थी, उसके बाद नदी पार की जाती थी। बहुत घना जंगल हुआ करता था, अब तो सब बदल चुका है। हर तरफ जंगल में भयंकर जानवर, भालू के डर से कोई आगे नहीं बढ़ता था। बहुत डरते थे लोग। एंटोनी बार्गेस, इंडियाज ऑफिशियल इंटर टू। फिर मेरे बाप ने हिम्मत की और वो आगे बढ़ते चले गए। फिर वो ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गए। उसके बाद यहाँ औरतों को और बच्चों को लेकर आ गए, खेती शुरू कर दी। टोरंटो इंटरनेशनल फेस्टिवल। यहाँ रह तो रहे हैं, लेकिन अभी भी ये जानवरों की जगह है। क्या था वो? अब उन लोगों को देखो, भैंसा भैंसा। देखो देखो देखो, ये भले ही दो पैर के हैं, लेकिन ताकत है जंगली जानवरों जैसी। क्या पूरा फूड डाल होने वाला है फूल। क्या सही लुक भाई, जानी का बीज इतने छोड़ रहा है लेडीज का भी। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म 93 एनुअल में। तुझे पता है दुनिया में सबसे लजीज मांस किसका होता है? पता है? किसका? इंसान का मांस। क्या? इंसान का मांस। कमिंग सून, डेट नहीं दिया, बहुत ही गलती कर दी, डेट नहीं दिया। साला इसमें पूरा डार्क, और इसमें क्या दिखाया, मैं थोड़ा क्योंकि वीडियो में सर्च किया तो इंसान अगर जानवर जैसा बन जाए तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और इसमें दिखाया एक मतलब भैंसा होता है ना, उसको मतलब थ्रू दिखाया गया कि इंसान इतना खतरनाक हो सकता है, मतलब एक ही कारण से बहुत ही खतरनाक हो सकता है, ऐसे किस्म के दिखाया है। मैं कन्फर्म पूरा कन्फर्म पता नहीं है कि हाँ क्या होने वाला है, पर इतना पता है कि इंसान इसमें जानवर जैसा हो सकता है तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो सकता है। और इसमें देख कर लग रहा है, और क्या सही डायलॉग है, और इसका हिंदी डबिंग बहुत ही कमाल का। और ये मूवी का मतलब डेट कन्फर्म ही नहीं हुआ कि कब आने वाला है, सिर्फ कमिंग सून लिख दिया। और इसमें जो लास्ट में बोला है इंसान के मांस बहुत ही लजीज होता, ये सुनकर मतलब मूवी में कैसा होगा आप देख सकते हो, कितना कमाल का। और ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था, उसके बाद में टोरंटो इंटरनेशनल में प्रीमियम हुआ था, उसके बाद में इंटरनेशनल अवार्ड 93 एनुअल एकेडमी के अवार्ड जीता था। मतलब क्या सही सही अवार्ड जीता है, मतलब ये मूवी एक बहुत ही हाई लेवल का, बहुत ही मतलब कमाल की मूवी था। और ये मूवी हिंदी में आ रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ, क्यों मैं अभी भी इसको देख लेता मतलब मलयालम में ही, इंग्लिश सबटाइटल के साथ, इंग्लिश सबटाइटल मिलता है तो मैं नहीं देखा, शायद क्या पता नहीं देखा, मतलब अब लगता है कि मैं देख लूँ, और उसके बाद भी हिंदी में भी आएगा तो हिंदी में भी देखूँगा। पर ये मूवी मैं जरूर देखूँगा, क्योंकि ये मूवी का मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था। तो आप लोगों को ये ट्रेलर कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए कैसा लगा, और नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, और एडवाइज मीडिया एक्शन के
यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देखिए। मतलब कमाल के, ये ऐसा ऐसा मूवी इंतजार करता हूँ। और ये मूवी का मैं लग रहा हूँ क्यों नहीं रीमेक बना, पता नहीं, ऐसा किस्म का मूवी का रीमेक बनना जरूरी था हिंदी में। ऐसा मूवी का रीमेक बनाओगे नहीं, और जो खराब मतलब जो मूवी नहीं चलेगा उसका रीमेक बनाओ, मतलब पता नहीं ये बॉलीवुड क्या कर रहा है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसमें एंथोनी वार्गेस के जो एक्टिंग है साला, मतलब इसमें ना फीमेल को ना इंसान को किसी को नहीं छोड़ रहा है, मतलब जो मिल जाए उसको खा जाइए, जो मिल जाए उसको, मतलब थोड़ा अलग लेवल का है। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ भीख मांगते हैं हम लोग, भीख मांगते हैं तो दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वाह, ये जो शायरी है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।